अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अपने सभी आचार्यों को, अपने सभी पूर्वजों को, देवी देवताओं को और वो सभी पुण्यात्माएं जो हमारे भारत देश में कभी पैगंबर बनकर आए और कभी तीर्थंकर बनकर आए, पर्ण कुटीर में बैठे, दूर कहीं वन बिहेड़ों में बैठे, पर्ण कुटीर में बैठे, दूर समीचीन की बर्फ के बीच में कहीं अज्ञात अदृश्य रूप में लोक कल्याण की तपस्या करते हुए उन सभी ऋषि मुनि जन को प्रणाम करते हुए एक बार उन्हें श्रोताओं की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेते हुए और जीवन अमृत फेसबुक पेज के प्रतिनिधि अभय नारायण मिश्रा जी के माध्यम से कृष्ण के कृपा का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद मैं एक बार पुनः दिनांक 12 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर 5:30 बजे और नस्से इंडिया फेसबुक पेज डॉक्टर पूजा कोहली जी के अनुकंपा और आशीर्वाद के माध्यम से अर्थात जीवन अमृत फेसबुक पेज, नस्से इंडिया फेसबुक पेज पर वॉच पार्टी दिनांक 12 तारीख को श्री कृष्ण एक परिपूर्णता और संपूर्णता का भाव ये विषय लेकर आपके बीच में आ रहा हूँ और इस विषय के बारे में दो शब्द कहकर मैं आपका सब प्रेम प्राप्त करना चाहूँगा और आज की वाणी के माध्यम से आपको निमंत्रण और प्रेम भरा आमंत्रण भी देना चाहूँगा। आप सभी आमंत्रित भी हैं और मेरा निमंत्रण भी है। बस 2-4 शब्दों से मैं अपने विषय को उजागर करने का एक संकेत आपको देता जा रहा हूँ। ये मान के चलिए कि कुछ लोग जीवन को रहस्य मानते हैं और कुछ लोग जीवन को समस्या मानते हैं। जो जीवन को और जीवन में होने वाली अलग अलग प्रकार की अनुभूतियों और घटनाओं को समस्या मानते हैं, वो समस्या का हल और समाधान ढूंढने के लिए न जाने कितने ही द्वार और धाराओं में बहते हुए अपने जीवन को अंतिम चरण तक ले जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन जो लोग जीवन को समस्या नहीं तो जीवन को रहस्य मानते हैं, उनका तो बस जीवन को जिए जाना ही एक अलौकिक अनुभूतियों का पुंज है। उनका तो बस उस रहस्यों में डूब जाना ही जीवन है। वो खोजा नहीं करते, वो खोजाया करते हैं। मैं एक वैद्यत्व की भावना से श्री कृष्ण के आशीर्वाद अनुकंपा और अनुग्रह से कलकल बहते झरने की कलोलवत आवाज वो कृष्ण की बांसुरी से और हम सब के जीवन के व्यक्तित्व की पारदर्शिता से एक भाव रखने आपके पास आ रहा हूँ। जीवन को रहस्य की तरह किस प्रकार जीना है और जीवन को किस प्रकार बांसुरी की आवाज़ की तरह गुनगुनाते चले जाना है, इन सभी बातों का सम्मिश्रण लेकर मैं आपके बीच 12 तारीख को उपस्थित होने जा रहा हूँ। और एक विशेष भाव आपके सामने ये भी रखना चाहूँगा कि कृष्ण के व्यक्तित्व में होने वाली अद्भुत, अनुपम और उदात्त घटनाओं को दृष्टि देकर मैं आप पूरे विश्व को, पूरे भारत को और पूरे वैद्य समाज में आने वाले सभी युवा, नव, आगंतुक, अभ्यागत, अतिथि पीढ़ियों का स्वागत कर उन्हें कृष्ण की दृष्टि देकर इस संसार को करुणामय और प्रसन्नतामय वातावरण से भरना चाहता हूँ।
कृष्ण को देखने के लिए कृष्ण की दृष्टि चाहिए। शिव पुराण में कहा भी गया है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो मैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए शब्दों से जो शीर्षक बना, संपूर्णता और परिपूर्णता का एक भाव, इस शीर्षक के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में एक नई दृष्टि के साथ, नई दृष्टि प्रदान करने के लिए आ रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि श्री कृष्ण कृपा आप सब पर बरसे और आप सब मेरे साथ शब्दों का गुणगान गद्दे में करने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे जीवन अमृत फेसबुक पेज पर और नशे इंडिया फेसबुक पेज पर। इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं 12 तारीख को, श्री कृष्ण संपूर्णता और परिपूर्णता का भाव। नमस्कार, आप सबके हृदय में बैठे प्रभु प्रेम को प्रेम भरा नमस्कार।